चलो छोड़ो छोड़ो बस, अब शांत बेटा। सूरज यहाँ से उठा के फेंक दें, तुम बात मत करो भाभी को, समझो ना किसी। एक्सरसाइज 4.3 हाँ, इसका मैंने एग्जांपल बता दिए थे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या गया है, कह रहे हैं कि इनके नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करो, रिवीजन हो जाएगा आपका है, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करो, अगर वो रूट्स रियल हैं तो उसके बाद आपको इनके रूट्स भी फाइंड करने हैं, सिंपल सी बात है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, तो सबसे पहले अगर नेचर ऑफ द रूट्स की बात करते हैं तो क्या चीज़ फाइंड करते हैं, डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, बी एक्स का और सी कॉन्स्टेंट। तो चलो भैया रखो, बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर, सी की जगह 5, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 2 8, 8 5 40, तो माइनस 31 आया। अब माइनस 31 जीरो से क्या है, कम है, मतलब लेस देन जीरो है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से कम आता है तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, नो रियल रूट्स। नेचर क्या होगा इसका, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, नो रियल रूट्स। तो जब रियल रूट्स नहीं है तो क्या ही इसके फैक्टर होंगे, नो रियल, ठीक है, तो इसके कोई भी फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें भी कह रहे भैया कि पहले डी फाइंड करो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको फाइंड कर, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 3 और ये 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3 कितना होगा 48, माइनस 4 3 48 कितना आया, ज़ीरो, ज़ीरो आया। अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आता है तो इसका मतलब उसके जो नेचर ऑफ द रूट्स होता है वो क्या, टू इक्वल रियल रूट्स। इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल। अब जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ अब इसके हमको फैक्टर्स से मतलब रूट्स फाइंड कर रहे हैं। अब 4.3 में क्वाड्रेटिक फार्मूला एग्जांपल में यूज़ किया है इन लोगों ने, ज़्यादा उसका प्रूफ नहीं बताया बट यूज़ किया है। तो अब आप लोग क्या करो कि बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके इसके रूट्स फाइंड कर सकते हो, उससे बड़ा सिंपल होता है। तो चलो मैं उसी फार्मूले से इसके रूट्स फाइंड करके बता देता हूँ। फार्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं, डी अपॉन 2a। चलिए तो माइनस बी की वैल्यू क्या भैया, माइनस का 4√3 माइनस का, अब प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, निकाल चुके हम लोग तो ज़ीरो लिख दो, अपॉन 2a, a कितना है 3, यस और नो। तो ये निकल के आया माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 6, कट करो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये 2√3/3। अब समझना जरा बात को ध्यान से, ये एक रूट निकल के आया है, यस और नो, जबकि ये इक्वल रूट्स है तो दूसरा रूट भी हमारा क्या होगा, यही होगा, ठीक है, दूसरा रूट भी हमारा यही होगा, क्लियर है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो एक बात ना सुनो यार, एक बार प्लस जीरो लो एक बार माइनस जीरो लो, आंसर तो हमारा वही आएगा। तो इससे डायरेक्ट क्या निकल के आ गए, हमारे रूट्स निकल गए, गॉट इट। चलिए तीसरा देखिए, ऐसे तीसरे में हमसे कह रहे हैं कि भैया डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करो, बी की वैल्यू क्या है, माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जै 20 कितना आया 12, की वैल्यू क्या है, ज़ीरो से बढ़ी है, मतलब इसका जो नेचर होगा वो नेचर क्या होगा, नहीं बात नहीं करो इसी तो आज तुम लोग इस तरीके से मैंने बैठा कि बात नहीं हो जाए, बहुत बात करते तुम लोग, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब दो रूट्स तो होंगे ही लेकिन वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। अब कह रहे यार अगर रियल है ना तो भैया बताओ, तो एक्स की वैल्यू वही माइनस बी क्वाड्रेटिक फार्मूला अंडर रूट डी अपॉन 2a, केवल और केवल वैल्यू पुट कर देना, कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है, ये खुद से करो यार। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको पहले से ही गिवन है, भाटी इसमें कह रहे हैं कि इसके जो रूट्स हैं कितने रूट्स होंगे इसके, टू, कह रहे हैं वो टू इक्वल हैं,
जो रूट्स है ना वो पहले से क्या है गिवन में कि वो इक्वल है, इक्वल है। जब इक्वल गिवन है तो इसका मतलब आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो गिवन है। यस और नो? फैन ऑन कर सकते हैं, करंट है इसका, कर लो। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है। तो भैया बी की वैल्यू क्या है? के के स्क्वायर माइनस फोर ए कितना है? टू, और सी कितना है? थ्री। तो के स्क्वायर ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, फोर टू जाए एट, जीरो ट्वेंटी फोर। स्क्वायर जब भी हटता है प्लस माइनस अंडर रूट आता है, तो इसके फैक्टर कर लो 24 के, तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 2 भाग जाएगा बाहर, तो ये कितना हो गया? 2√6। तो के का आंसर आ जाएगा 2√6। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझो अच्छे से। कह रहे हैं इस ये भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके भी जो रूट्स हैं वो 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर एसी क्या है? जीरो के बराबर गिवन है। बट प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर अभी आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पहले आप मल्टीप्लाई करो इसका, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब देखो ए की वैल्यू क्या हो गई? के। बी की वैल्यू माइनस 2 के, और सी कितना हो गया? 6। तो बस लगा दो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन सॉरी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू क्या? माइनस 2 के स्क्वायर, और सी कितना है? तो ये हो गया 4 के स्क्वायर माइनस का 24। अच्छा अब देखो के की वैल्यू क्या है? 2। तो के आंसर कितने होंगे? नॉर्मली बच्चे गलती करते क्या, कल बताया था गलती क्या करते हैं इसमें, वो इस तरीके से करेंगे इसको, 4 के स्क्वायर 24 के उस तरफ लेके जाएंगे, तो एक के से एक के सहित करेंगे, 4 6 24, के की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और पीछे जब आंसर चेक करेंगे तो भी आंसर क्या है? 6 है, लेकिन नंबर आपके कट जाएंगे इसमें। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि के की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो के आंसर कितने होंगे? 2। तो हम करेंगे इसमें 4 के कॉमन लेंगे, तो क्या ये के माइनस 6 आएगा? एक बार रखो 4k को बराबर 0, तो k की वैल्यू क्या आएगी? 0। और एक बार रखो k माइनस 6 को 0, k की वैल्यू क्या आएगी? 6। तो k के दो आंसर हो गए, 0 और 6। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या, आंसर सीट में आप देखोगे तो आंसर केवल 6 है। तो क्यों ऐसा है? एक बात सुनो यार, k की वैल्यू 0, जैसे अगर मैं आपको यहाँ समझाऊँ कि k की वैल्यू प्लस माइनस 2√6 आया था, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि प्लस माइनस 2√6 अगर आप के की जगह पुट करोगे, के की जगह, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आएगा। ठीक है, तो अच्छा ऐसी कंडीशन यहाँ पे, जैसे ही आपने के की जगह 0 पुट किया तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? 0, केवल 6 बचेगा। और 6 बराबर 0 होता है क्या? 6 बराबर 0 होता है? नहीं होता है। तो के इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल। तो फाइनली के की वैल्यू क्या है? 6 है, क्योंकि अगर आपने 0 पुट किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं। क्यों सूरज शर्मा, क्लियर है? तो इसलिए के की जगह 0 नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखो, अब जो ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 4 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझो, अभी तक के जितने क्वेश्चन थे उनसे हट गए थोड़ा सा। ये कह रहे हैं इज इट पॉसिबल टू, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ग्रोव मीन्स पता है स्मॉल गार्डन, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब सुनो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है? इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताऊं। या सपोज मैं आपसे कहता हूं क्या एक ऐसा ऐसी चीज़ पॉसिबल है, इस क्वेश्चन को भूल जाओ अभी। मैं कहता हूं सपोज मैंने एक ये डायग्राम बना दिया, ठीक, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस डायग्राम का जो पेरीमीटर है वो मैंने दे दिया मान लो 800 सेंटीमीटर, और मैंने कहा कि भाई साहब इसका जो एरिया है वो है 40 सेंटीमीटर का, ऐसे मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है।
लेकिन मैंने आपसे बोल दिया कि चेक करो यार ये पॉसिबल है या नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे, अभी तक क्या था कि फाइंड द एरिया या फाइंड द पेरीमीटर, ये सब हम लोगों ने फाइंड किया था। ऐसे क्वेश्चन फाइंड नहीं किए थे कि चेक करना पड़े कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चेक करेंगे इसमें। अब जैसे ये कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ, उसकी जो लेंथ है ना वो ट्वाइस है इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ से। अब देखो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, अब इसकी ब्रेथ हमको नहीं पता बट लेंथ है ना वो ट्वाइस है, तो ब्रेथ नहीं पता, ब्रेथ को एक्स ले लो तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x, ट्वाइस है उसकी। तो दिखाओ लेट मीटर है सेंटीमीटर, मीटर एक्स मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x, यस और नो बोला गया ऐसा। चलिए एरिया कितना दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था एल इंटू बी, तो एल एक्स इंटू 2x, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 2 का इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 400, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो x की पावर कितनी है 2, आंसर कितना आएंगे 2, स्क्वायर जब भी हटेगा प्लस माइनस अंडर रूट मिलेगा, तो 400 क्या हो जाएगा 2, तो एक आंसर प्लस 20 एक माइनस 20। अब यार लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी तो माइनस नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लोगों x इक्वल्स टू 20 मीटर, तो मतलब उसकी जो ब्रेथ आई है वो कितनी है 20 और लेंथ कितनी हो गई डबल है, क्लियर है। तो कह रहे हैं फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, हाँ भैया ऐसा पॉसिबल है। अब आप कहोगे सर कैसे पता ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि यार देखो जो आंसर आए ना वो हमारे रियल नंबर आए हैं, लेकिन फिर भी एक काम आप करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो सिंपल था, बोर्ड में लॉजिकल क्वेश्चन आते, जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था अगर याद आ रहा होगा एक्स के अंदर 0.6 थे, 99% बच्चे अगर आंसर सीट को नहीं देखेंगे तो यही आंसर छोड़ के आएंगे, यस और नो, लेकिन जब वो आंसर सीट में देखेंगे तब बोलेंगे यार जीरो नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही जो आंसर आया है ना 20, अभी भी चेक करो इसको कि भैया ये 20 है ये 40 है, एरिया निकालो, तो एरिया क्या होगा 40 × 20 800 आ रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हाँ भैया ऐसा पॉसिबल है, यस दो इक्वेशन नहीं बनी, कहाँ से पकड़ लिया इनको छोड़ गया हो, तो बड़े ब्रांडेड गधे आदमी हो। वेरिएबल कितना है इसमें, एक वेरिएबल है ना, तो इक्वेशन भी तो एक ही बनेगी, वो थर्ड चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ये वेरिएबल एक है तो इक्वेशन एक ही होगी ना भैया। चलो सेकंड देखो, चलो छोड़ो हो जाता है, फोर्थ देखो, कह रहे हैं इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, इफ सो अगर है तो भैया एज फाइंड करो। कह रहे हैं द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं उनकी एज का सम कितना है 20, तो लेट करो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, दो फ्रेंड है ना एक की एक्स ले लो एक्स ईयर, तो सेकंड वाले की क्या हो जाएगी 20 - x, सही बात है क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 20, इनको ऐड करो एक्स एक्स कैंसिल 20 आ गया। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने कहा मेरे पास और तुम्हारे पास मिला के 20 रुपये हैं, अगर मेरे पास 5 रुपये हैं तुम्हारे पास कितने हैं 20 - 5, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं 4 years ago, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले अभी इसकी एज क्या है एक्स, तो 4 साल पहले इसकी एज क्या होगी और इसकी एज क्या होगी, इससे भी भैया 4 - कर दो। कह रहे 4 साल पहले इनकी एज का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो, किसके बराबर है 48 के बराबर है, तो कह रहे भैया चेक करो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, चेक करते हैं देखते हैं। तो x माइनस 4, 20 से 4 गया 16, ठीक है तो करो मल्टीप्लाई, x का इसमें 16x माइनस एक्स स्क्वायर 16 × 64 और प्लस, चलिए अब देखो भैया 16x और 4x कितना हो गया 20x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 ये इधर आएगा माइनस का, ठीक है तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, अब इसको ऐड करो
8 4 12। क्लियर है? अब एक काम करो, माइनस यहाँ से क्या लो, कॉमन ले लो कि प्लस का हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का। अब यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, एज फाइंड करनी है, तो मतलब हमको रूट्स फाइंड करना है। लगा दो फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कैलकुलेशन देख लेना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो माइनस देखो, माइनस बी की वैल्यू क्या, माइनस 20, कितना हो गया ये प्लस 20। अब बी स्क्वायर बोले तो बी की वैल्यू क्या, माइनस 20, माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 1 इंटू 112 अपॉन 2। ए की वैल्यू क्या भाटी, ए की वैल्यू बताओ, कहाँ पे हो ही नहीं तुम, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या, यहाँ पे बताओ। गुड, अब देखो ये 400 है और 400 में से 112 इंटू 4 करो, क्या आएगा आंसर, 4 2 8। अब आंसर कितना आया, माइनस का 48 आया, कितना आया माइनस का 48। अब समझो भैया ध्यान से, क्या प्लीज 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 प्लीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट मतलब जो गिवन डाटा है ना, जो डाटा दिया गया था कि उनकी एज का सम 20 है और 4 साल पहले एज का प्रोडक्ट 48 है, ये कहने की बात थी, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संयोग नहीं है, ठीक है। तो ये गलत चीज़ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो इट इज गिवन डाटा इज नॉट पॉसिबल, यस और नो। ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि दो दोस्त हैं उनकी एज का सम 20 भी हो जाए और 4 साल पहले एज का प्रोडक्ट 48 हो जाए, एकदम गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग कर लेते। अब फिफ्थ देखो जरा, फिफ्थ कह रहे हैं आज प्रतीक नहीं आया क्यों, फिफ्थ देखो जरा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज पेरीमीटर 80 मीटर एरिया 400 है। पेरीमीटर 80 है, एरिया क्या 400 है। देखो भैया इसकी लेंथ एक्स ले लो, ब्रेथ वाई ले लो, तो पेरीमीटर का 2l + y 2l + b, तो ये कितना दिया गया है 80, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई कितना आ गया 40। और कह रहे हैं कि इसका एरिया x इंटू वाई कितना दिया गया है 400। अब देखो भैया तुम्हारे वाला क्वेश्चन आ गया, अननोन वैल्यू कितनी है 2, x और y इक्वेशन कितनी बनेंगी, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक, कोशिश करो क्वाड्रेटिक में। एक काम करो, यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा 40 माइनस वाई, तो एक्स की जगह रख दो, एक्स की जगह रखो 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 400, करो वाई का मल्टीप्लाई, ये सब उस तरफ लेके चले आओ, वाई स्क्वायर। अब क्या करो, फैक्टर करो, तो वही वाला लगाओ फॉर्मूला, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी, अब बी की वैल्यू का माइनस 40, तो क्या हो जाएगा प्लस 40, बी स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4ac 4a अपॉन 2a, तो ये 40 प्लस, अच्छा 1600 में 1600 गया 0 ही हो गया, तो इसे हटाई दो, नीचे कितना है 2, तो कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर है, मीटर है, ये देख लो बस मीटर है। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, y की वैल्यू कितनी निकल के आई 20, और जब y की वैल्यू 20 आई है तो x कितना आएगा, ये भी 20 आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना 40 ही तो है, तो x भी कितना आएगा। अब एक बात सुनो, मतलब पॉसिबल तो है कि ऐसा हो, लेकिन तभी पॉसिबल है जो वो रेक्टेंगल था वो क्या हो, स्क्वायर हो, क्योंकि एक्स और वाई दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो ये आप लिख कर आएंगे कि एक्स इक्वल्स टू 20, वाई इज इट इज़ पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड उनकी क्या नहीं बराबर आ रही। क्लियर है? तो हमारी 4.3 खत्म होगी। अच्छा अब सुनो क्या होगा, कहने को जो फैक्टराइजेशन मेथड है, मैं बता ही देता हूँ,
वो बहुत ही सिंपल है, क्लास सिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन बोर्ड में फैक्टराइजेशन के इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हेलो, हाँ, तो फैक्टराइजेशन के इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं रख के आएंगे, क्योंकि अब आप टेंथ क्लास में आए हो तो फैक्टराइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, जो मैं असाइनमेंट अभी कराऊंगा उसके कुछ के वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो फैक्टराइजेशन के